हेलो बच्चों, आज हम मराठी के इस सब्जेक्ट में सीखेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है एक मेकांशी बोला। मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे से जब बातचीत करते हैं तो वो हम मराठी में कैसे करते हैं। तो ये बेसिकली एक कॉन्वर्जेशन है दो लोगों के बीच। तो वो लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके कोई भी एल्डर्स, आप जिनसे भी बात करते हो। तो जब दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उसे कहते हैं एक मेकांशी बोला। तो हम यहाँ पे अभी पहले स्लाइड देखेंगे और उस स्लाइड में हमें यहाँ पे कुछ दिख रहा है जो कि कुछ गोल सा है और कोई उसे उठा रहा है। तो इस चित्र को देखते हुए दो लोग क्या बातें कर रहे हैं ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की है, यानी कि मुर्गा और मुर्गी। मुर्गा उससे कुछ बोल रहा है, हाँ वेगर्स झेंडू दस्तो। इस पर मुर्गी ने कहा, नहीं हाँ झेंडू नहीं, हे कवट आहे हे फळ आहे। मतलब लड़के ने कहा कि ये कोई गेंद सा दिख रहा है, बॉल सा दिख रहा है मुझको। तो ये सुनकर लड़की बोली कि नहीं नहीं, ये कोई बॉल नहीं है, गेंद नहीं है, ये एक फ्रूट है, फल है, जिसका नाम कवट है। तो ये जो आपको दिख रहा है कुछ बॉल जैसा, तो वो एक फ्रूट है जिसे हम कवट कहते हैं और इंग्लिश में उसे हम वुड एप्पल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे पिक्चर है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक नन्ही सी लड़की और उसके अंकल गार्डनिंग कर रहे हैं। तो देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या कॉन्वर्जेशन चल रहा है। तो यहाँ पे लड़की अपने अंकल से पूछ रहे हैं, काका तुम्ही काय करता। ये सुनकर उसकी अंकल काका बोलते हैं कि मी झाड़ाला पानी घालतो। मतलब लड़की यहाँ पूछ रही है कि अंकल आप क्या कर रहे हैं। ये बात सुनकर लड़की के काका यानी कि अंकल कहते हैं कि मैं झाड़ को पानी डाल रहा हूँ। तो ये हो गया इस पिक्चर के रिलेटेड का कॉन्वर्जेशन, वो दोनों आपस में क्या बातें कर रहे थे। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे जो बच्चा है वो कुछ पूछ रहा है अपनी मम्मी से। तो वो इस तरह पूछ रहा है, आई हेला काय म्हणतात। ये सुनकर उसकी मम्मी ने जवाब दिया, हेला फूलदानी म्हणतात। जो सामने रखा हुआ जो फ्लावर वास है उसे देखकर वो अपनी मम्मी से पूछ रहा है कि ये जो रखा है इसे क्या कहते हैं। तो मम्मी उसे जवाब देती है कि इसे फुलदानी कहते हैं, यानी कि फ्लावर पॉट कहते हैं या फ्लावर वास कहते हैं। तो ये रहा इस पिक्चर का मीनिंग। नेक्स्ट पिक्चर में हम देखेंगे कि एक आंटी या एक बूढ़ी औरत अपने छोटे नातू या नाती को लेकर कहीं जा रही है। तो वो कहाँ लेकर जा रही है। तो ये कॉन्वर्जेशन कुछ इस तरह है कि आजी पूछ रही है बच्चे से, तू कुठे चाललीस। ये सुनकर उनकी बेटी या मुलगी जो है छोटी सी लड़की, उसने कहा मैं शाळेत चालले, मतलब मैं स्कूल जा रही हूँ। आजी ने जब पूछा, उसकी दादी ने पूछा कि कहाँ जा रही है तू, तो लड़की ने कहा कि मैं स्कूल में जा रही हूँ। तो यह रहा इस पिक्चर का कॉन्वर्जेशन। तो यहाँ पे दो लोग हमेशा एक दूसरे से बातें करते, तो इसे हम कहते हैं कॉन्वर्जेशन, हिंदी में आपस में बातचीत करना, और मराठी में हम इसे कहते हैं एक मेकांशी बोला, मतलब एक दूसरे से कहना। तो यहाँ पे जो पिक्चर डिस्प्ले हुआ है इसमें फिर से एक लड़का और एक लड़की है, और इन दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है वो कुछ इस प्रकार से है। मुलगी तू कापड़ी पिशवी का घितलीस। लड़की पूछ रही है लड़के को कि तुमने ये प्लास्टिक का थैली छोड़कर कपड़े का थैली क्यों लिया है। तो मुलगा कहता है, लड़का बोलता है, आता प्लास्टिक जो वापर करायचा नहीं। तो लड़का कह रहा है कि अभी प्लास्टिक का बंद हो चुका है, उसका अभी यूज़ हमें नहीं करना है, तो इसी के कारण मैं अभी जो है वो कपड़े का जो थैली होती है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं प्लास्टिक निकाल कर फेंक रहा हूँ। तो इस प्रकार से सारे हमारे स्लाइड्स के मीनिंग्स हम जान चुके हैं। तो अब आपके लिए होगा क्वेश्चन टाइम, जहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स मैं दिखाऊंगी और उसके बेसिस पे आपको जो भी समझ में आता है
उन पिक्चर्स में जो भी दो लोग दिख रहे हैं आपको, उस पर जो भी समझ में आता है तो आप अपने हिसाब से उस पर कॉन्वर्जेशन लिखिएगा। सो हमारा पहला पिक्चर है, अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड पिक्चर की ओर। हमारा थर्ड पिक्चर रहेगा, ये हमारा नेक्स्ट पिक्चर है, हमारे ये फिफ्थ पिक्चर में ये रहा। इसी प्रकार हम सारे यहाँ पे पिक्चर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। तब तक के लिए सेफ रहिए, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।